विराट कोहली, वर्ल्ड के करंट बेस्ट बैट्समैन, जिनकी फिटनेस और बैटिंग पूरे यूथ को इंस्पायर करती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली और उनसे जुड़े हुए 20 अमेजिंग फैक्ट्स की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एकांश और आप देख रहे हैं एकांश फैक्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 में दिल्ली में हुआ। उनके डैड श्री प्रेम कोहली पेशे से क्रिमिनल लॉयर थे और उनके मॉम एक हाउसवाइफ हैं। विराट के एक बड़े भाई भी हैं और उनकी एक बड़ी बहन भी है। और विराट के डैड का एक सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बने और उन्होंने अपने डैड के सपने को पूरा कर दिखाया। विराट कोहली केवल 11वीं पास है और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की है, क्योंकि जब वो प्लस टू में थे तब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में बिजी थे और उस साल अंडर 19 की टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, जिसके कैप्टन विराट कोहली थे। और उसके बाद विराट क्रिकेट में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें स्टडीज का मौका ही नहीं मिला। विराट कोहली इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा बार 150 का आंकड़ा पार करने वाले बैट्समैन हैं और उन्होंने 14 बार 150 से ऊपर का स्कोर बनाया है, 10 बार टेस्ट में और 4 बार ओडीआई में। पर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये आंकड़े भी जल्दी ही बदल जाएंगे। विराट कोहली को आज तक आईपीएल ऑक्शन में परचेज नहीं किया गया है। 2008 में उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम से डायरेक्ट ही रिटेन किया गया था और उसके बाद कोहली को आरसीबी ने आज तक रिलीज नहीं किया। में विराट कोहली को आरसीबी ने तकरीबन आज के 21 लाख में खरीदा था और 2018 में उन्हें रिटेन करने के लिए आरसीबी ने उन्हें 17 करोड़ दिए, जो कि 10 सालों में 81 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ है। विराट कोहली की करंट ब्रांड वैल्यू $237 मिलियन है, जो कि इंडिया में किसी भी सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा है। हालांकि अक्षय कुमार दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू तकरीबन $105 मिलियन है। मतलब विराट की ब्रांड वैल्यू अक्षय के डबल से भी ज्यादा है। विराट कोहली लुईस वुइटन का वॉलेट यूज करते हैं, जिसकी कीमत ₹85,000 है। विराट जो पानी पीते हैं वो एवियन कंपनी का है, जिसके 1 लीटर पानी की कीमत 400 से 36,000 रुपए होती है, जो कि स्पेशली फ्रांस से आता है। और ये पानी फैट लॉस, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विराट ने चीजल फिटनेस ब्रांड जिम में 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसके वो को ओनर हैं। विराट कोहली को टीवी शोज और मूवीज देखना बहुत पसंद है और इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो अपने फेवरेट शोज होमलैंड और नार्कोस देखना नहीं भूलते। इसी के साथ साथ विराट कोहली खुद भी एक ड्रामेबाज हैं और अक्सर उन्हें बहुत सारे एक्टर्स और प्लेयर्स की मिमिक्री करते देखा गया है। विराट कोहली को जब पहली बार मैन ऑफ द मैच चुना गया, उस मैच में वो मैन ऑफ द मैच थे ही नहीं। एक्चुअली श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए जब उन्होंने अपनी लाइफ का पहला इंटरनेशनल शो बनाया, तब उसी मैच में गौतम गंभीर ने नाबाद 150 रन बनाए थे और गौतम को ही मैन ऑफ द मैच चुना गया था। पर गंभीर समझते थे कि ये विराट का पहला 100 है और उन्होंने अपना अवार्ड विराट कोहली को दे दिया। तो ऐसे मैन ऑफ द मैच ना होते हुए भी विराट कोहली उस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। पर आगे चलकर आईपीएल के एक मैच में इन दोनों के बीच तूतू मैमे भी हो गई थी, जो कि पर्सनली मुझे बहुत बुरी बात लगी थी। विराट कोहली फिटनेस को बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और विराट कोहली का बॉडी बनाने और अपने फिजिक पर वर्क करने का रीजन ये है कि 2012 में आईपीएल के बाद एक दिन वो खुद को शीशे में देख रहे थे और तब उन्हें फील हुआ कि उनके जैसे इंटरनेशनल प्लेयर का ऐसा फिजिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा यूथ उन्हें देखता है और उन्हें कॉपी भी करता है। और तब से विराट ने अपने फिजिक पर काम करना स्टार्ट किया और आज विराट वर्ल्ड के हॉटेस्ट स्पोर्ट्समैन में से एक हैं।
विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बार कीपिंग की है। 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने विकेट कीपिंग की थी, क्योंकि 44वें ओवर में धोनी को वॉशरूम ब्रेक के लिए जाना पड़ा था और ऐसे में कोहली ने विकेट कीपिंग की थी। और दूसरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए भी उन्होंने कीपिंग की थी, जब मैच के चौथे दिन के दौरान धोनी ने डिसाइड किया कि वो बॉलिंग करेंगे और ऐसे में उन्होंने अपने कीपिंग ग्लव विराट को दे दिए और विराट ने कीपिंग की थी। विराट कोहली के नाम एक यूनिक बॉलिंग रिकॉर्ड भी है। 2011 में एक ओडीआई मैच के दौरान जब विराट को बॉलिंग दी गई तब उन्होंने अपनी पहली ही बॉल वाइड डाल दी थी, पर वाइड बॉल पर भी बैट्समैन केविन पीटरसन स्टंप आउट हो गए थे, तो ऐसे उन्होंने बिना बॉल काउंट हुए भी विकेट ले ली थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी की पिक्चर्स को ऑक्शन में बेचा गया था और उससे जितना भी पैसा जनरेट हुआ उन्होंने उसे एनजीओ में डोनेट कर दिया था। तीस मई 1998 में विराट ने दिल्ली की WDTA एकेडमी में एडमिशन लिया था और वहां उन्हें फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उनकी बैटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी उसके बाद वो बाकी बैट्समैन को बॉलिंग करने लग जाया करते थे, क्योंकि किसी भी तरह वो प्रैक्टिस सेशन के दौरान क्रिकेट के साथ जुड़े रहना चाहते थे। विराट कोहली यूथ के लिए एक स्टाइल आइकन है, पर विराट कोहली खुद जस्टिन टिम्बरलेक के स्टाइल से इन्फ्लुएंस हैं और वो उन्हें अपना स्टाइल इंस्पिरेशन भी मानते हैं। और फैशन सेंस की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, 2012 में उन्हें टॉप 10 बेस्ट ड्रेस मैन की लिस्ट में सिलेक्ट किया गया था और इस लिस्ट में बराक ओबामा भी सिलेक्ट हुए थे। अठारह दिसंबर 2006 में विराट कोहली जब एक रणजी मैच खेल रहे थे तब उनके डैड का देहांत हो गया और ऐसे में विराट पूरी तरह से टूट चुके थे। तब कोच ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे डैड तुम्हें क्रिकेटर बनते देखना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें ये मैच खेलना ही चाहिए। और उसके बाद उन्होंने वो मैच खेला भी और उसमें 90 रन की शानदार पारी भी खेली थी, पर अंपायर के गलत डिसीजन के चलते उन्हें आउट दे दिया गया था, जिसके बाद वो घर के लिए निकल गए और अपने पिताजी की लास्ट सेरेमनी पूरी की। और तब विराट केवल 18 साल के थे और शायद यही रीजन है उनका जर्सी नंबर 18 है। ये तो हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली का निकनेम चीकू है, पर इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार जब विराट हेयर कट करवा कर अपने कोच अजीत चौधरी के पास पहुंचे तब उन्होंने उनसे पूछा कि उनका हेयर कट कैसा है, और रिप्लाई में अजीत चौधरी ने कहा चीकू लग रहे हो, क्योंकि तब विराट के चीक्स बहुत चबी थे और छोटे बाल करवाने की वजह से ऐसे में उनका फेस और भी गोलमटोल लग रहा था, तो तब से उनका नाम चीकू उनके साथ साथ चल रहा है। और धोनी को उनका ये नाम पता चलने पर उनका नाम चीकू टीम इंडिया में भी फेमस हो गया। विराट को केवल 23 साल की एज में ICC क्रिकेटर का अवार्ड मिल गया था और उस टाइम इस अवार्ड को पाने वाले वो तीसरे प्लेयर थे, और 25 साल की एज में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला और इसी के साथ साथ 2014 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और 2018 में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। विराट कोहली कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट नहीं करते जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट यूथ और बच्चों के द्वारा ही कंज्यूम किए जाते हैं। इसी के साथ साथ विराट कोहली नाम की एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसमें वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के खाने और पढ़ाई का ध्यान देते हैं। और रिसेंटली विराट कोहली क्रिसमस पर सेंटा बनकर एक एनजीओ में बच्चों को सरप्राइज देने भी पहुंच गए थे। विराट कोहली बहुत सारी गेम्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि फुटबॉल में FC गोवा, टेनिस में UAE रॉयल लायंस और रेसलिंग में बेंगलुरु योद्धा के वो को ओनर हैं। इवन कबड्डी के मैचेस में भी वो कबड्डी को सपोर्ट करते नजर आए थे। क्रिकेट के बाद उनका फेवरेट स्पोर्ट सॉकर या फुटबॉल है, और क्रिकेट रिटायरमेंट के बाद वो फुटबॉल में ही अपना बिजनेस इन्हांस करना चाहते हैं। तो ये थे विराट कोहली और उनसे जुड़े हुए 20 अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर।